अग्निवीर योजना को लेकर मचे घमासान के बीच कारगिल विजय दिवस पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक और रास्ता खोल दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा पीएससी में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। क्या कुछ ऐलान सीएम ने अग्निवीरों के लिए किया है, सुनिए। अग्निवीर की नौकरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो अग्निवीर की नौकरी करके आएगा उसको उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में वरीयता दी जाएगी, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक बड़ा मुद्दा अग्निवीर भी रहा था, जिसके चलते यूपी की कई सीट लोकसभा की बीजेपी हार गई थी, जिसके बाद ये बड़ा नोटिफिकेशन आया है। ऐसे में जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं या फिर जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं। जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? अभय नाम है मेरा। अभय भाई, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हो और योगी सरकार ने जो कहा है कितना सही मानते हो? देखो, पहले तो जैसे सरकार कुछ भी दे पल्ले में ले लो, जो घर जाकर निचोड़ लेगा तेल भी दे तो कहावत है, तो ऐसे ही है। ये भी 25% आरक्षण अगर तुम दे रहे हो तो कोई ये तो है नहीं। एक तो लाइफ स्टेक्स है वो अपने दे के आए, भाई लाइफ का ही तो डेंजर है। अब उसके लिए आप कहोगे कि पहले तो 4 साल की नौकरी बहुत अच्छी है और उसको दे क्या रहे हो उसके बदले? उसकी भी तो कीमत देखो, आप उसको 20-25 हज़ार दे रहे हो, 12 लाख दे रहे हो, इंश्योरेंस मिल रहा है, पर ये उसका स्टेक देखो वो आपको क्या दे रहा है, उसके मुकाबले उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये 25% जो आरक्षण की बात करी है वो पहले एक बार कंपटीशन फाइट करके जाएगा, रनिंग इतना आसान काम नहीं है आर्मी की रनिंग का। तमाम देश के लोग, तमाम बच्चे जो रिटायर होकर आएंगे सबके लिए तो कंपटीशन बढ़ ही गया है ना। जो नॉर्मल लड़का है उसके लिए भी है, जो आरक्षण ले रहा है उसके लिए भी है। ये मेरे हिसाब से तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। आप इस फैसलों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन औरों का भी देखना है। और भी तो अपने देश में लोग हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है जो और यूपी पुलिस या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो रहेंगे। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोई भी एक स्कीम होती है लाइक हम उसे पूरा गलत भी नहीं बता सकते, पूरा सही भी नहीं हो सकता। कुछ उसके अंदर मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले डिमेरिट्स ये कि जो आर्मी है एक तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाइंड करती है लोगों को, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक कर रही है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है ये कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है। पहली बात तो ये, लाइक जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स हैं लाइक उनके लिए है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू है कि इसके अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, ये इशू है। और लेकिन उसका फ़ायदा देखें तो हमारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा काफ़ी कम हुआ है। और इसके अलावा हम देखें तो हमारा जो आर्मी का एवरेज एज है वो काफ़ी कम हुआ है, पहले 32 था, अभी 26 हो चुका है, ये बढ़िया बात है। तो लाइक इसको हम ऐसे भी नहीं सकते ख़राब भी है और ऐसे भी नहीं कह सकते कि बढ़िया भी है। हमें लाइक इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि लाइक जैसे अभी 4 साल के लिए ही है, ठीक है, तो 4 साल को हम बढ़ा करके 6-7 साल कर दें। ज़रूरत है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था इससे जो सेना कमज़ोर हुई है, क्योंकि जो सोल्जर मटेरियल है जो तैयारी करते थे पहले, वो अब तैयारी करनी उन्होंने छोड़ दी है योजना के नकारात्मक प्रभाव देखते हुए। बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इसके हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, अग्निवीर योजना रहनी चाहिए, लेकिन वो जो पहले की भर्तियां थी ना वो उसी तरीके से चलती रहे। देखिए, ये वो लोग हैं जो लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ अग्निवीर की भी तैयारियां कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से सरकार का ये स्टैंड आया है, ऐसे में देखना ये होगा कि देश का नौजवान इसको किस तरह से देख रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।